सुर्खी में भाजपा और कांग्रेस के बाद निर्दलीय प्रत्याशी भी कसर नहीं छोड़ रहे हैं। निर्दलीय प्रत्याशी जाकिर अली जीत की सुकून के साथ सैकड़ों महिलाओं एवं पुरुष के साथ राहतगढ़ नगर के अनेक वार्ड में किया जनसंपर्क। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। सागर जिले की सबसे हाई प्रोफाइल चर्चित विधानसभा सीट सुर्खी एक बार फिर से सुर्खियों में। सुर्खी विधानसभा का चुनाव रोचक और दिलचस्प हम बात कर रहे हैं। सुर्खी विधानसभा की जहां भाजपा ने पुनः गोविंद सिंह राजपूत को प्रत्याशी बनाया, तो वहीं कांग्रेस ने नीरज शर्मा को प्रत्याशी बनाया है। भाजपा कांग्रेस के अब सुर्खी में निर्दलीय प्रत्याशी कसर नहीं छोड़ रहे हैं। सुर्खी क्षेत्र के राहतगढ़ में आज निर्दलीय प्रत्याशी जाकिर अली ने राहतगढ़ नगर के अनेक वार्डों में जनसंपर्क किया तथा राहतगढ़ स्थित पुलिस चौकी बस स्टैंड पर नुक्कड़ सभा भी, जिसमें निर्दलीय प्रत्याशी जाकिर अली ने संबोधित करते हुए कहा कि मेरा नामांकन उन कांग्रेस कार्यकर्ताओं के सामने में है जिन्हें कांग्रेस प्रत्याशी द्वारा अनदेखा किया जा रहा है। कुछ भाजपा नाराज हैं, उन लोगों के समर्थन मुझे मिल रहा है एवं सभी समुदाय के लोगों का समर्थन मुझे मिल रहा है। सुर्खी विधानसभा चुनाव त्रिकोणीय होगा, सबके सहयोग से हम सुर्खी विधानसभा का चुनाव जीत रहे हैं। क्या बोले निर्दलीय प्रत्याशी जाकिर अली, देखिए। सबसे पहला जो मेरी लड़ाई है वो स्थानीयता की है कि अगर कांग्रेस प्रत्याशी स्थानीय है तो हम भी स्थानीय हैं। और दूसरी बात जो सबसे बड़ी है, जो बेचारे कांग्रेस के लोग 20-20 साल से कांग्रेस के लिए झंडे डंडे उठा रहे हैं, भाजपा से आए थे प्रत्याशी को इन्होंने प्रत्याशी बनाया है कमलनाथ जी ने, तो हमारी सबसे बड़ी लड़ाई तो ये है कि भाई आप कांग्रेस कार्यकर्ता की मेहनत को समझ ही नहीं रहे, जिनका सर्वे में कोई नाम नहीं था और ना ही सर्वे के उसमें कहीं से उसका कुछ आया, उसके बाद भी एक महीने पहले जिनने कांग्रेस ज्वाइन की उनको टिकट दिया। और दूसरी बात यह है कि चाहे भाजपा हो या कांग्रेस हो, सबने हमारे राहतगढ़ नगर को इस्तेमाल किया है और राहतगढ़ की पब्लिक इस बार पूरी तरीके से हमारे साथ है। और सबसे जो बड़ी बात मैं आपको बताऊँ, सुर्खी विधानसभा का चुनाव त्रिकोणीय होने जा रहा है। कांग्रेस के बहुत से जिम्मेदार लोग ऐसे हैं जो मुझे अंदरूनी सपोर्ट कर रहे हैं और भाजपा के भी कुछ लोग हैं, तो ऊपर वाले ने चाहा तो हम एक तगड़ी टक्कर देंगे दोनों प्रत्याशियों को। और अगर बल्ला हमारा चुनाव चिन्ह है बल्ला, अगर वो त्रिकोणीय मुकाबले में आगे निकल जाता है कोई बड़ी बात नहीं होगी। आज भारत का बल्ला हर जगह चल रहा है, भारतीय टीम 9 मैच जीत चुकी है, इसी तरह सुर्खी विधानसभा से हम भी चुनाव जीत सकते हैं। दोनों प्रत्याशियों से बराबरी की मेरी टक्कर है और हम चुनाव पूरा लड़ेंगे। और बाकी अब सब आप लोग जानते ही हैं। ऐसे कौन से काम है जो सुर्खी विधानसभा आपको करवाना चाहते हैं? सुर्खी विधानसभा में सबसे पहले हमारा राहतगढ़ रहेगा जहाँ के हम निवास हैं, उसके बाद जो हमारी पहली प्राथमिकता होगी हर पंचायत में हम 10 लोगों की एक समिति बनाएंगे। वही समिति गाँव की पंचायत का निर्धारण करेगी कहाँ क्या काम होना है, किसका काम अटक रहा है, वो हमारी पहली प्राथमिकता में होगी। हर गांव में 10 लोगों की एक समिति बनाएंगे। समर्थन कैसा मिल रहा है? समर्थन हमें सभी समाजों का मिल रहा है, देख सकते हैं आप सब, हिंदू मुस्लिम और अदर्स, चाहे दलित हों चाहे आदिवासी हों, इन सबका हमें बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है और हम खुश हैं कि हमारी मेहनत सही जगह हो रही है। मैंने राहतगढ़ के सम्मान के लिए दल बदलुओं के खिलाफ जो बेचारे 20-20 साल से कांग्रेस के लोग लगे हुए हैं उनको कांग्रेस पार्टी ने टिकट नहीं दिया। हम भाजपा का भी विरोध करते हैं, भाजपा की नीतियों का विरोध करते हैं, लेकिन अगर किसी जननायक को कांग्रेस उम्मीदवार बनाती तो शायद हमारा उसके लिए साथ होता। और अभी कई कांग्रेस नेता मुझे अंदरूनी सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।